नमस्ते दोस्तों, मैं सुमिला रावत फैमिली एंड किचन गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आई हुई हूँ अपने यहाँ पर और मैं अपने आपको पौधे दिखाती हूँ अपने। देखिए ये देखिए मेरा कितना बड़ा, ये देखिए लाल टहना है और इसमें देखिए ये फूल निकले हुए हैं कितने सुंदर। ऐसी देखिए, ये देखिए, और ये पेड़ जैसा हो गया है। मैंने इसको पेड़ का रूप दे रखा है। ये देखिए नीचे से ये मैंने पूरी इसकी टहनियाँ साफ़ कर रखी हैं और ये देखिए पूरा पेड़ की तरह हो रखा है। उसके जब चारों तरफ इसके इस तरीके से छोटे छोटे फूल खिलेंगे तो ये दिखने में बहुत सुंदर लगेगा। और इसके बीज देखिए, इस टाइम पे ग्रीन कलर का है, ये अपने आप ही इसके बीज नीचे गिरते हैं और नया पौधा हमारा तैयार हो जाता है। ब्लैक कलर के हो जाते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको ब्लैक कलर का भी बीज इसका। ये देखिए इस तरीके से हो जाते हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं, तो इसमें से नया पौधा हमारा एक नया पौधा तैयार हो जाता है। दिखने में जब बहुत सुंदर लगेगा जब ये पूरे चारों तरफ से इस तरीके से छोटे छोटे फूलों से पूरा पेड़ गिर जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना यहाँ पे ये कड़ी पत्ता। देखिए मेरा बरसात में कड़ी पत्ता ना बहुत अच्छी तरीके से खिल जाता है और यहाँ से इसके छोटे छोटे जो यहाँ से हम ऊपर से इसके ये टिप्स जो हैं हम इसके इस तरीके से निकालते रहेंगे तो यहाँ से इसकी ग्रोथ खूब अच्छे से बढ़ती रहेगी। ये देखिए कितना घना हो गया है मेरा यहाँ पर कड़ी पत्ता और ये भी मेरा ज़मीन पे ही लगा हुआ है, यहाँ मिट्टी में है, ये इधर की तरफ में यहाँ पर मेरा ये ज़मीन पे लगा हुआ है। और यहीं पे मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं अपने सारे जितने भी मेरे कोलियस हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे कोलियस प्लांट जो हैं। ये देखिए और कितना घना हो रखा है, ये देखिए मेरा कोलियस प्लांट कितना घना है। यहाँ पर देखिए ये दूसरा वाला है, देखिए पत्ते देखिए कितने सुंदर हो रखे हैं, क्योंकि अब इतनी तेज़ धूप नहीं लगती है इन पर, नहीं तो धूप लगने से इनके पत्तों का कलर भी ख़राब हो जाता है। ये देखिए यहीं सामने पे मेरा दूसरा है, वहाँ बगीचे में भी लगा हुआ है, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए ये मिट्टी में लगा हुआ है सामने वाला और ये हमारे ये गमलों में लगा हुआ है, ये सामने ये भी हमारे गमले में ही लगा हुआ है। ये देखिए तो मैं आगे दिखाती हूँ आपके आपको, यहाँ पर भी देखिए मैंने अलग अलग जगह में रखा हुआ है। यहाँ पर थोड़ी जगह की मेरी थोड़ी दिक्कत है तो मैं अलग अलग जगह में मैंने ये रखे हुए हैं। ये देखिए तो इसके साथ ही मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने जगह जगह में लगा रखे हैं, ये देखिए, और बहुत सुंदर हो रखे हैं इस टाइम पे मेरे ये। यहीं से मैं आपको आगे लेके चलती हूँ, ये वाला मेरा ग्रीन कलर का है, ये देखिए, और ये भी दिखने में बहुत सुंदर हो रखा है इस टाइम पे। बरसात में पानी गिर रहा है बरसात का इन पे तो बहुत अच्छे हो रखे हैं और कलर भी देखिए इनका कितना अच्छा हो रखा है। देखिए एकदम डार्क एकदम ग्रीन कलर का तोतिया कलर जो होता है ना वो वाला कलर है। ये देखिए बहुत सुंदर है, यहाँ पर भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इसी तरीके से मैंने बहुत सारे यहाँ पर लगा रखे हैं अलग अलग कलर के। ये देखिए ये मेरा थोड़ा ख़राब हो रखा है क्योंकि ये अंदर की तरफ का है, साइड में रखा हुआ है। इसकी मैं करूँगी कटिंग यहाँ से, ये सारा के सारा मैं यहाँ से हटाऊँगी तो ये फिर ये बहुत सुंदर हो जाएगा। ऐसे टूट जाते हैं इनकी, ऐसी छोटी छोटी टिप्स हम निकाल के अगर अपने दूसरे गमले में लगाएं तो वहाँ पर भी ये बहुत ईजी और आराम से लग जाते हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं होती। ऊपर से ही हम काट के लगाएंगे तो ये हमारे आराम से लग जाएंगे। देखिए मैंने इसको सारा हटा लिया, ये देखिए सारे मैंने इसकी ये टहनियाँ हटा ली है, इनको मैं फेंक दूंगी। यहाँ पे ही मेरा ये सब लगा हुआ है, ये देखिए कोलियस तो बहुत अलग अलग कलर में आते हैं, बहुत कलर में आते हैं। ये देखिए मेरा मेहरून कलर देखिए कितना डार्क है। ये देखिए ऐसे मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये हमारे बगीचे के ये कलरफुल इनके पत्ते होते हैं तो हमारे बगीचे में फूल की कमी जो होती है ना, फूलों की कमी जो हमारे बगीचे में नहीं है इस टाइम पे, कम फूल होते हैं तो उनकी कमी को पूरा करता है ये कोलियस हमारा। दिखाती हूँ आपको ये मेरा, देखिए मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मैंने अपराजिता का मचान बना रखा है और मैंने आपको पहले दिखाया था तो उसमें कम पत्ते थे, कम था ये फैला हुआ। अब देखिए अब ये पूरा एकदम से पूरा इसका देखिए, ये पूरी इसकी जो अंदर की लकड़ियाँ हैं ये पूरा कवर हो चुका है। ये देखिए और देखिए पूरा कवर हो गया है और फूल भी इसमें निकले हुए हैं। देखिए कितने सुंदर अपराजिता के फूल इसमें निकले हुए हैं। ये देखिए तो मैं आज अपने को आपके यहाँ पर मैं दिखाती हूँ यहाँ पर कि मेरी जो कटिंग मैंने निकाली थी ना
मैंने कल वीडियो में भी दिखाया था कि मेरी ये जो कटिंग मेरी निकली हुई है यहाँ से, यही मैंने आज आप कटिंग लगानी है यहाँ पर। अपने मैंने एक गमला खाली कर रखा है इसके लिए, उसमें ये सारी छोटी छोटी कटिंगें मैं लगाऊंगी। बारिश का पानी इतना हो गया आज, बारिश हुई थी हमारे, तो बारिश के पानी से ही पूरे हमारे ये सारे पौधे गीले हो रखे हैं। तो यहीं पे मैंने ये देखिए, ये मेरा खाली किया हुआ है यहाँ पर, यहीं पे मैं इसकी कटिंग लगाऊंगी जेट प्लांट की। मिट्टी बना रखी है मैंने, बना के रखती हूँ मैं पहले से ही, और गीली हो रखी है, बारिश का पानी गिरने से हमारी मिट्टी भी गीली हो गई है। इस तरीके से हम छोटी छोटी नीचे से जो है इसकी यहाँ से पत्तियाँ हटा लेंगे। और इसकी हम इस तरीके से जगह जगह में इसकी छोटी छोटी सी कटिंगें हम सारे में इसकी लगा लेंगे। ये देखिए, छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी लग जाती है आराम से। आज मैंने इसको खाली किया था, मैंने आपको कल अपनी जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने जेट प्लांट की कटिंग लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो मैं ये कटिंग है ये जो मैं लगा रही हूँ, सुबह से बारिश हो रही थी तो उस वजह से मैं आ नहीं पाई, अब बारिश बंद हो चुकी है तो अब मैं थोड़ा इसको ये लगा लेती हूँ इनकी कटिंग। ये देखिए, हमें सारी की सारी ये लगा ली है कटिंग, छोटी से छोटी कटिंग में मैं डाल दूंगी इसमें जो मेरी कट रखी है छोटी छोटी, इतनी इतनी कटिंगें भी ये भी हो जाएंगी। जेट प्लांट की तो छोटी से छोटी कटिंग भी हो जाती है। और ये देखिए, मैंने सारी कटिंग लगा ली है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखिए, और जब ये बड़ी होंगी तो बहुत पूरा मेरा यहाँ से पूरा ये नीचे को कवर हो जाएगा, कवर कर लेगा तो दिखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो अब समाप्त करती हूँ। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरी वीडियो को। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।